नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। वर्ल्ड हेरिटेज शिमला कालका ट्रैक पर दौड़ने वाली टॉय ट्रेन नए साल में एक नए लुक में नजर आएगी। यात्री विस्टाडोम पारदर्शी कोच वाले ट्रेन के सफर का आनंद ले सकेंगे। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में 30 नए विस्टाडोम कोच बन रहे हैं, जिनका काम आखिरी चरण में है। ऐसे में कुछ विस्टा मोड कोच दिसंबर के आखिरी में बनकर तैयार हो जाएंगे। नए साल में शिमला घूमने आने वाले लोग विस्टाडोम कोच में ही सफर का लुफ्त उठा पाएंगे। विस्टाडोम कोच की खिड़कियां और छत पूरी तरह से कांच के बने होते हैं। कोचों की खिड़कियां पारदर्शी होती हैं। इन कोचों में स्टील रेलिंग भी होती है, जिससे यह और भी खूबसूरत दिखते हैं। विस्टाडोम कोच में बच्चों से लेकर बड़ों के लिए सफर आरामदायक होगा, क्योंकि विस्टाडोम में लगाई गई सीटों के बीच काफी स्पेस होगा, ताकि यात्रियों को सफर के समय कोई परेशानी ना हो। यात्री सीटों को चारों तरफ से घुमा भी सकेंगे। ऐसे में यात्री एक ही दिशा में बैठने के लिए बाध्य नहीं होंगे। कोच में सामान्य यात्रियों के अलावा दिव्यांगों के लिए भी सुविधाएं होंगी, ताकि दिव्यांगों को व्हील चेयर से आने जाने में कोई परेशानी ना हो सके। दिव्यांगों के लिए डोर चौड़े होंगे, ताकि व्हील चेयर आसानी से आ सके। इसके अलावा कोच में पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अलावा वाईफाई होगा, ताकि लोग काम या मनोरंजन भी कर सके। सेंसर सिस्टम के दरवाजे काम करेंगे। उत्तर रेलवे ने 2019 में भी शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चलाई थी। पर्यटकों में इस ट्रेन को लेकर काफी उत्साह रहा। रेलवे ने पुराने कोच को ही मॉडिफाई किया था, लेकिन कोरोना काल के बाद इसे लंबे समय से बंद किया गया। अब नए आधुनिक कोच बनाए गए हैं। नए कोच का किराया भी अभी रेलवे की ओर से तय किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।